इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय में दिल्ली पुलिस घुसी, कुछ पत्रकारों को भी हिरासत में लिया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी फिलहाल दिखाएंगे और जानकारी आपको दे दें कि ये बड़ी खबर है इस वक्त की। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस कार्रवाई के दौरान आलोचना भी की, साथ ही बता दें कि कुछ पत्रकारों को भी हिरासत में लिया गया है। नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए बुधवार को लगातार तीसरे दिन राहुल गांधी को ईडी ऑफिस बुलाया गया, वो पहुंचे और बवाल अभी तक जारी है। कल देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी इस पूरे मामले को लेकर। ये बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है कि सभी राजभवनों के बाहर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी कल देश भर में। तो कांग्रेसियों ने ईडी ऑफिस के बाहर आगजनी की थी, उसके बाद आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान कई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए, फिर उसके बाद कुछ पत्रकारों को हिरासत में लिया गया। राहुल से लगातार तीसरे दिन ईडी की पूछताछ जारी है। इसी को लेकर कांग्रेस लगातार आरोप भी साध रही है सत्ता पक्ष पर, सरकार पर। कल देश भर में इसी दौरान कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, सभी राजभवनों के बाहर कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। की अगर बात की जाए तो 4 घंटे से ज्यादा समय पूछताछ की गई और अभी भी पूछताछ फिलहाल जारी है। कुछ पत्रकारों को हिरासत में लिया गया और अब बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि कल देश भर में प्रदर्शन होगा। कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कल करेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई, सभी राजभवनों के बाहर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली से कांग्रेस मुख्यालय में दिल्ली पुलिस घुसी और उसके बाद फिर जो बवाल मचा, उसकी तस्वीरें भी हम आपको अब से कुछ ही देर में दिखाएंगे। कुछ पत्रकारों को भी हिरासत में लिया गया, कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया है, कांग्रेस के नेताओं को भी हिरासत में लिया गया। कैप्टन अजय यादव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कैप्टन अजय यादव जी, आपका स्वागत है जनता टीवी पर। आज जो बवाल मचा है, कांग्रेस मुख्यालय में दिल्ली पुलिस घुस गई और उसके बाद कुछ नेताओं को भी हिरासत में लिया गया, कुछ पत्रकारों को भी हिरासत में लिया गया, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, ऐसा है कि मैं भी वहाँ गेट के पास गया था, मेरे साथ भी बदसलूकी की गई जी, और मेरे को अपने दफ्तर में जाने के लिए रोका गया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मैं पिछड़ा वर्ग का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मुझे भी रोका गया और मेरे साथ जो है धक्का मुक्की बदसलूकी करके मुझे बस में जबरदस्ती उठा के और वसंत कुछ थाने में मुझे लेकर आ गए हैं जी। अब बात ये है कि अगर हम अपने दफ्तर में भी नहीं जा सकते हैं और पुलिस वहां भी घुसकर जो है गुंडागर्दी कर रही है, तो ये तो अमित शाह के गुर्गे हैं जो जिस तरीके से राहुल गांधी जी को ईडी जो है तीसरा दिन हो गया है, क्या इनके पास प्रश्न के खत्म हुए नहीं क्या इनके? ये केवल जो है दर्शाना ये चाहते हैं कि पता नहीं कितना बड़ा जो है घोटाला हो गया है जी। जबकि जो पैसा गया है एजीएल जो कंपनी है वो नेशनल हेराल्ड की ही अपनी अपनी कंपनी है, अगर लोन ले लिया है तो उसमें क्या जुर्म हो गया कि उनके खुद के खाते में थोड़ी नहीं गया। लेकिन ये जो है बस प्रबंधन बढ़ा रहे हैं और इस तरीके से इन्होंने ईडी और सीबीआई और दिल्ली पुलिस का दुरुपयोग कर कार्यकर्ताओं पे उन पे लाठीचार्ज भी कर रहे हैं, गुंडागर्दी भी कर रहे हैं जी। और मेरे साथ तो आज बहुत बदसलूकी करी इन्होंने जी। मुझे जो है जिस तरीके से घसीट कर और मुझे बस में डाला है, मैं 35 साल से राजनीति में हूँ, 6 बार विधायक रहा हूँ और मेरे पिता विधायक रहे, मेरा बेटा एमएलए है, और इस तरीके से अगर हम जैसे जो वेटरन्स हैं उनके साथ अगर ये बदसलूकी करेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमित शाह जो खुद तड़ी पार है वो इस प्रकार की जो है उसने दिल्ली पुलिस को भी खराब कर दिया है जी। चूंकि आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, क्या मंशा आपको नजर आ रही है, क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? कुछ नहीं है, गुंडागर्दी कर रहे हैं, गुंडा राज है,
और इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी हैं। देश के अंदर जो है ये मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं और बदसलूकी करते हैं जी। और सब कुछ इन्होंने बेच डाला, उसकी तो जांच करवाएं। रेलवे है आपका, LIC है, ऑर्डिनेंस है, लेकिन पुलिस का कैप्टन अजय यादव जी, पुलिस का ये कहना है कि कांग्रेस की तरफ से अनुमति नहीं ली गई इस प्रदर्शन को लेकर, अनुमति ले लेते तो ठीक रहता। चलिए दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप तस्वीरों को देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बवाल यहां पर मचा है। और राहुल गांधी से लगातार तीसरे दिन भी ईडी की पूछताछ जारी है। कांग्रेस मुख्यालय पुलिस घुस गई, कुछ नेताओं को हिरासत में लिया गया, साथ ही बता दी कुछ पत्रकारों को भी हिरासत में लिया गया। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जमकर बवाल यहां पर मचा है। धक्का मुक्की भी पुलिस वालों के साथ हुई। कैप्टन अजय यादव से दोबारा हमारा संपर्क हो चुका है। कैप्टन अजय यादव जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही? दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको ये जानकारी दे दें कि अभी भी पूछताछ हो रही है और इसी दौरान कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। जमकर नारेबाजी यहां पर कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। गुंडागर्दी नहीं चली, किस तरह की बातें की जा रही है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, दो बड़ी तस्वीरें हम आपको फिलहाल दिखा रहे। एक तरफ जहां कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए, तो दूसरी तस्वीर हमें आप देखिए कि पुलिस के साथ भिड़ते हुए भी कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो पुलिस की इस कार्रवाई से नाखुश नाराज कांग्रेस नजर आ रही है और कल इसी को लेकर देश भर में प्रदर्शन करने का बड़ा ऐलान किया गया है कि देश भर में प्रदर्शन यहां पर किया जाएगा। फिलहाल आप तस्वीरें देखिए, तो राहुल गांधी से लगातार तीसरे दिन भी ईडी की पूछताछ जारी है। आज तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन जमकर बवाल देखने को मिला। जयप्रकाश केंद्रीय मंत्री इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद जी। जी, आज की अगर बात की जाए तो कांग्रेस मुख्यालय में पुलिस घुस गई, उससे पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से भी जमकर हंगामा हुआ, क्या आप कहेंगे इसको लेकर? जिस तरीके का रवैया तीन दिन से केंद्र सरकार का चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वही जमाना लोगों को फिर याद आने लग गया है जो 1947 से पहले देश की आजादी के लिए जब हमारे सूरवीर, हमारे शहीद, हमारे बड़े नेता लड़ रहे थे, उनके बाद उसी तरीके से दबाया जाता था। ये ज्यादती है, ये जुल्म है, तशद्दत है, ये भय है कायर और कमजोर लोगों की सरकार को लड़ना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कहीं नहीं डरेगा, लड़ेगा। जी, यहाँ पर बात सरकार की तरफ से और कुछ बीजेपी के नेताओं की तरफ से कही जा रही है कि अगर पाक साफ है, कोई जुल्म कुछ गलती नहीं की है तो फिर जांच होनी चाहिए, अगर ठीक है तो फिर जांच होने दीजिए, डर किस बात का? ये तीन दिन से 20-20 घंटे लगातार किसी पार्टी के वरिष्ठ नेता को बिठा करके ये अपमानित करने की चेष्टा नहीं है? इसमें भारतीय जनता पार्टी लोगों को ये भी बताए, क्या कर दिया राहुल जी ने, आदरणीय सोनिया जी ने क्या गलत किया इसमें? ना ये AGL के मेंबर है, ना मेंबर बन सकते, ना ये प्रॉपर्टी को कोई बेच सकता, ना इसको कोई खरीद सकता, ये पार्टी की प्रॉपर्टी है। ड्रामा किया जा रहा है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है इन शहीदों के परिवार को। जी, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि सवालों का सामना करने से डर किस बात का? कौन डर है? आपने देखा होगा कि आज ही मैंने अखबार में पढ़ा है, राहुल जी ने जो कल स्टेटमेंट दी थी उनके दो दो महीने निकाल करके लिखने का प्रयास किया जा रहा है।
ये झूठे मुकदमे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। पीस को राहुल जी, आदरणीय सोनिया, प्रियंका जी और भारतवर्ष के कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस घिनौनी हरकत को का मुकाबला करेंगे और लड़ेंगे। मंशा क्या आपको नजर आ रही है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी सरकार असफल हो चुकी है। आज समय प्रधानमंत्री जी ने माना कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भूखमरी चरम सीमा पर है, महंगाई आपने मुद्रास्फीति का देखा होगा उच्चतम 30 वर्ष में इतने ऊंचे दर पर कभी नहीं गई मुद्रास्फीति। तो महंगाई, भूख मर रहे हैं लोग, हालत क्या हो रही है देश में। तो इसलिए इसे प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है, यानी कि खुद में भर्ती 4 साल के लिए करेंगे। अरे मरवाओगे क्या इस देश को, गुलाम करवाओगे क्या इस देश को? तो जो राष्ट्रवाद की बात करते थे, देशभक्ति की बात करते थे, वही देश के नौजवानों को कमजोर करने में लगे हैं। इसलिए राहुल जी देश के किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, कर्मचारी की, बेरोजगार नौजवान की आवाज उठाते हैं। कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता लड़ाई लड़ते हैं, उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आज भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था चरम सीमा पर है, आज हर फेल हो चुकी है, आज रुपया सबसे निचले दर पे है डॉलर के मुकाबले में, आज हम जाके कहां खड़े कर दिए सरकार ने। तो अगर कोई बोलेगा तो उसके बाद ईडी के माध्यम से दबाने का प्रयास किया जाएगा, तो कौन सहन करेगा इसको? ठीक है, बेरोजगारी महंगाई की बात आपकी तरफ से की जा रही है। सवाल आपसे ये है कि जो प्रदर्शन हो रहा है, क्या बेरोजगारी महंगाई को लेकर हो रहा है? ये राहुल जी जो आवाज उठाते थे बेरोजगारी की, बेकारी की और महंगाई की, उसको राहुल जी की आवाज को, कांग्रेस पार्टी की आवाज को दबाने के लिए हो रहा है जी। इसके अलावा जी, अगर प्रदर्शन करना है तो शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए। सवाल ये है, पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि अनुमति ले ले तो ठीक होता, अनुमति नहीं ली गई, बगैर अनुमति प्रदर्शन किया जा रहा है? नहीं देखिए, अनुमति ली जा रही, ली गई होगी, और कई बार क्या होता है सडनली आंदोलन करना पड़ जाता है। ये कोई खास, अगर पुलिस या सरकार की कोई ज्यादती होगी तो सरकार से फिर परमिशन लेकर के अगर आंदोलन करेंगे तो चल गया काम। तो ये बताइए कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से टायर जलाए गए, बैरिकेड्स तोड़े गए, किस हद तक सही आप मानते हैं? बैरिकेड कहाँ तोड़े हैं, कहीं नहीं तोड़े। तस्वीरें आ रही थी कुछ देर पहले सामने जयप्रकाश, नहीं नहीं वो तो खिंचा खाची हो रही है, पुलिस के लोगों ने तोड़े ना, पुलिस खेच रही थी इसलिए टूट गए। अच्छा, तो आपका ये मानना है कि पुलिस ने सब किया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कुछ भी नहीं किया? ना ना कुछ नहीं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के शिष्य है जी, ये हिस्सा में कभी विश्वास नहीं करते। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ अभी भी हो रही है, अगर वो सही है जयप्रकाश जी तो जांच होने दीजिए, डर किस बात का है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को या फिर कांग्रेस को? देखिए 20 घंटे से राहुल जी को परेशान करके पूछा क्या कख है, हमारे यहाँ बांगलू भाषा में कहते हैं बोले इसमें कख नहीं, इस जांच में कुछ भी नहीं है तो क्यों जबरदस्ती तंग कर रहे हैं काम का जी। ठीक है, आपका शुक्रिया जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें, इस वक्त स्पर्श शर्मा हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, अभी की अगर बात की जाए तो फिलहाल क्या तस्वीरें सामने आ रही है, अब तक का क्या अपडेट है, क्या हो रहा है? स्पर्श देखिए, फिलहाल राहुल गांधी से पूछताछ लगातार जारी है, और अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली पुलिस ने जो सुरक्षा है वो कांग्रेस मुख्यालय के आसपास जो है काफ़ी कड़ी कर रखी है। जिस तरीके से सुबह से ही तमाम नेता जो भी कांग्रेस मुख्यालय से बाहर निकल रहा है उसको डिटेन दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है किया जा रहा है, और कोई भी नेता अकबर रोड से कांग्रेस मुख्यालय की तरफ जो है आना चाह रहा है तो उसको भी जो है डिटेन दिल्ली पुलिस की तरफ लगातार किया जा रहा है। और अब से कुछ ही देर पहले हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जो दिल्ली पुलिस है वो कांग्रेस मुख्यालय के अंदर जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी कुछ कार्यकर्ताओं को डिटेन करने के संबंध में। तो इसको लेकर अब कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो जो दिल्ली पुलिस है उस पर सीधे तौर पर जो है आरोप लगाती हुई जो है नजर आ रही है कि वो कांग्रेस मुख्यालय के अंदर जो है घुसती हुई नजर आ रही है। इस तरीके से जो है दिल्ली पुलिस जो है कांग्रेस मुख्यालय के अंदर नहीं घुस सकती है क्योंकि कांग्रेस का वो पार्टी दफ्तर है और पार्टी दफ्तर के अंदर जो है इस तरीके से जो है दिल्ली पुलिस का जो प्रवेश है वो जो है ठीक नहीं है। ये सीधे तौर पर कांग्रेस का आरोप है, लोकतंत्र की हत्या का आरोप कांग्रेस की तरफ से जो है लगाया जा रहा है। फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस के कुछ नेता जो पार्टी दफ्तर में मौजूद है वो आगे की रणनीति बनाने के संदर्भ में लगातार बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। और महिमा जानकारी ये भी है कि देर शाम होते होते जो अलग अलग राज्य है वहां पर कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा और कल तमाम राजभवनों पर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन करके जो 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 ज्ञापन है वो भी जो है राजभवन पर सौंपा जाएगा जी। रणदीप सुरजेवाला की तरफ से अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की गई थी,
और उनकी तरफ से कई बड़ी बातें कही गई, कई आरोप भी सरकार पर लगाए गए। स्पर्श देखिए, बिल्कुल कांग्रेस लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है कि सरकार जो विपक्ष है या फिर सीधे तौर पर कहे कि कांग्रेस है, उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश जो है कर रही है। ये जो पूरा मामला है नेशनल हेराल्ड का, उसमें सीधे तौर पर राहुल गांधी और जो सोनिया गांधी है उन्होंने किसी भी तरीके का पैसा नहीं लिया है, ये कांग्रेस लगातार कह रही है। लेकिन उसके बावजूद नेताओं को परेशान करने के लिए, गांधी परिवार को परेशान करने के लिए जो सरकारी एजेंसीज हैं उसका दुरुपयोग कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी द्वारा जो है किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस का साफ तौर पर यही कहना है कि सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लेकिन कांग्रेस जो है डटकर जो है खड़ी रहेगी। राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहते थे, चाहे वो महंगाई का मसला हो, आर्थिक मसले की बात हो, कोरोना के समय आवाज़ उठाने की बात हो, चाइना के साथ जिस तरीके से भारत के जो रिलेशन है वो देखने के मिलते हुए नजर आ रहे हैं, वहाँ पर आवाज़ उठाने की बात हो, तो ऐसे में राहुल गांधी चूंकि लगातार केंद्र सरकार को घेर रहे थे, इसलिए अब केंद्र सरकार बदले की कार्रवाई के तहत ये जो कार्रवाई है वो राहुल गांधी के साथ जो है करती हुई नजर आ रही है। ये आरोप जो है कांग्रेस का सीधे तौर पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इससे कुछ देर पहले तस्वीर देखी थी तो कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं की तरफ से भी जमकर प्रदर्शन किया गया था और हंगामा भी किया गया और कई बड़े नेताओं को भी हिरासत में लिया गया था। स्पर्श कौन कौन से वो बड़े नेता थे? देखिए, आज अगर हम बात करते हैं, दिल्ली पुलिस ने जो सिर्फ चुनिंदा नेता थे उनको AICC पहुंचने की जो इजाजत है वो दी थी, और यहाँ तक अभी जानकारी है जैसा कि खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे थे कि उनके स्टाफ को भी जो है AICC आने नहीं दिया गया। ऐसे में जो ज्यादातर तमाम नेता थे, चाहे दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, उनको जो है घर पर ही जो है दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा के रोक दिया, तो ज्यादा नेता AICC पहुंच नहीं पाए थे। लेकिन जो नेता AICC पहुंचे हुए थे, चाहे वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के कुछ सदस्यों की बात की जाए या फिर AICC में जो अलग अलग पदों पर तैनात सेक्रेटरीज हैं उनकी बात की जाए, इन लोगों को जो उठाने का काम है वो आप फिलहाल जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है डिटेन करने का किया गया था। हरियाणा के संदर्भ में बात करते हैं तो कैप्टन अजय यादव वहां पहुंचे थे, उनको जो है दिल्ली पुलिस जो है डिटेन करके ले जाती है, और इसी तरीके से दीपेंद्र हुड्डा को अपने घर पर ही रोक दिया जाता है। जी, कांग्रेस मुख्यालय में आज दिल्ली पुलिस घुसी थी और जमकर यहाँ पर प्रदर्शन भी किया गया कांग्रेस की तरफ से। आप चूंकि ग्राउंड पर मौजूद है, आगे की क्या रणनीति आपको नजर आ रही है? स्पर्श देखिए, कांग्रेस अपने नेता के साथ जो है खड़े रहते हुए दिखाई देना चाहती है, यही कांग्रेस की आगे की रणनीति है। और कांग्रेस को अभी कहीं ना कहीं ये समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से अब जो है आगे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्यकर्ता जो आवाज़ उठाना चाहते हैं वो AICC तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, और दिल्ली पुलिस का इतना ज़्यादा पहरा जो है देखने को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और जो भूमिका जो दिल्ली से सटे हुए राज्यों को निभानी चाहिए, मसलन उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, उस तरीके की भूमिका कार्यकर्ताओं के संदर्भ में देखने को मिलती हुई नहीं नज़र आ रही है। उनका सबसे बड़ा नेता जो है हरियाणा, माफ़ कीजिएगा, राहुल गांधी जो है वो आज जो है ED के समक्ष पेश होते हुए नज़र आ रहे हैं। कांग्रेस ने अपने जो शासित राज्यों के मुख्यमंत्री है उनको बुला लिया दिल्ली में, लोकसभा राज्यसभा सांसदों को दिल्ली में बुला लिया, लेकिन कार्यकर्ता एक बार बड़ी संख्या में अगर दिल्ली आते हुए नजर आएंगे तो कहीं ना कहीं दबाव कांग्रेस की तरफ से भी बनाया जा सकता है कि उनके नेता के साथ गलत कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस ने अब ये प्लानिंग की है कि वो देश भर में इस पूरे मसले को जो है लेकर जाती हुई नजर आएगी, जिसमें आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके आयोजन जो है वो किया जाएगा, और कल राजभवनों पर जिस तरीके से प्रदर्शन करने की बात कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, ज्ञापन सौंपने की बात जो है राज्यपालों को की जा रही है, तो ये फिलहाल आगे की रणनीति कांग्रेस की तरफ से देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। ठीक है, इस खबर पर आप नजर बनाकर रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट